में प्रोग्राम रखते थे, तो ये बहुत सुंदर हॉल है आज जिसमें हम बैठे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पुराने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में क्या होता है, कोई ना कोई नए भाई बहन भी पहली बार संपर्क में आते हैं, तो उनको ये बताना जरूरी हो जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिकता पढ़ाई जाती है, जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो सिखाया सुनाया जाता है, तो इसकी स्थापना कैसे हुई उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आज से 82 वर्ष पूर्व सन 1936 में एक साधारण मनुष्य दादा लेखराज, जो सिर्फ हैदराबाद में रहते थे, आजकल ये पाकिस्तान में आता है, उनको कुछ साक्षात्कार हुए थे, मतलब कुछ डिवाइन विजन्स हुए थे। उन्होंने अपना सारा पूंजी इकट्ठा करके ओम मंडली की स्थापना की, उसके बाद लेटर उन्होंने इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पढ़ा। तो उन दिनों आप जानते हैं 1936 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया की हालत काफ़ी गंभीर थी, इकोनॉमी बहुत डाउन थी, और भारत पे अंग्रेजों का राज्य था उस वक्त। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन म्यांमार भी, ये सारा खंड एक भारत ही कहलाता था। 1937 में म्यांमार अलग हुआ है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो इसलिए आप जानते हैं। तो ये पूरा खंड भारत कहलाता था, तो उसमें हमारे जिनको हम बाद में पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहने लगे, जो तब दादा लेखराज कहलाते थे, वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, कलकत्ता बॉम्बे में उनका बिजनेस था। तो सिंध हैदराबाद में उनको कुछ साक्षात्कार होने के बाद उनको कुछ ईश्वरीय डायरेक्शन आई, या कुछ ऐसे संकल्प आए कि ये धंधा बंद करके एक ओम मंडली की स्थापना की जाए, जहाँ माताएं बहनें जो आती थी सत्संग के रूप में, उनमें से ओम राधे एक कन्या थी 17 साल की लगभग, उनको हेड बना करके एक ओम मंडली की स्थापना कर दी। बाद में लगभग एक साल बाद कराची में शिफ्ट हो गए, और 13-14 साल वहाँ कराची में ही रहे, वो भी पाकिस्तान में है। और 14 साल बाद मई 1950 में, जब भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था, 3 वर्ष बाद भारत में माउंट आबू में आना हुआ, वो भी इसलिए कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो भारत से ही कुछ सेवा करनी है, इस देश दुनिया को कुछ नई दिशा देनी है, तो यहाँ से सेवा शुरू की जाए। तो माउंट आबू जो एक पहाड़ी है राजस्थान में, गुरु शिखर महा सबसे ऊँचा पर्वत है, वहाँ पर आकर के एक स्थान लेकर के, जो पहले 300-400 का ग्रुप था, कुछ 200-250 के करीब वहाँ पहुँचे, और वो गाने उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से जो पहले भाई बहन वहाँ आते थे, उनको सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, और भाई को दादा कहते हैं, जैसे आजकल अपनी जो संस्था की चीफ, उनको दादी जान की कहते हैं। तो दादियाँ जो दो तीन का बहनों का ग्रुप बना करके, बाबा ने किसी को दिल्ली, लखनऊ, पटना, तो इस तरह अलग अलग शहरों में भेजा, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बहुत शहरों में पूरे भारत में ही, और वहाँ पर धीरे धीरे सेवा केंद्र खुलते गए, सेंटर बोलते थे, आश्रम भी नहीं, वैसे आश्रम भी कह देते हैं, सेवा स्थल है। तो वो सेंटर्स खुलते गए, और वहाँ पर जो लोग आते थे उनको मेडिटेशन सिखाया जाता था, इसको दूसरी भाषा में ईश्वरीय ज्ञान सुना करके कैसे आत्मा को शांति मिले, कैसे परमात्मा को याद किया जाए, और परमात्मा कौन है उसके बारे में बहुत सारी शिक्षाएं, वो तो चलो हम सुनेंगे अभी, वो वहाँ सिखाई जाती थी अलग अलग सेंटर्स पर। इस प्रकार से खुलते खुलते लगभग 300 सेंटर खुल गए, जब तक हमारे ब्रह्मा बाबा 1969 तक शरीर में थे। 69 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, और दादी प्रकाशमणि, जिनकी उम्र उस टाइम लगभग 45-46 वर्ष ही थी, उनको बाबा ने हेड बना दिया था जाने से पहले ही, कि आप मेरे बाद इनको संभालोगी, जो उनकी बेटी नहीं थी, उनका परिवार था, बच्चे थे। तो ये आप एक विचित्र चीज़ देखेंगे कि हर प्रकार से, अभी भी बहुत सारे मटकन आप देखेंगे कि किसी का बेटा हेड बनता है, किसी की बेटी हेड बनती है, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, जो काबिल था उसको मुख्य बनाया, रखा बहनों माताओं को ही आगे, भाई लोग भी थे बहुत संस्था में, अभी भी हैं, लेकिन उनको आगे रखा कि भाई महिला को, नारी जाति को उत्थान कैसे किया जाए, ये करके दिखाया। तो उनको हेड बनाया दादी प्रकाशमणि को 1969 से लेकर के 2007 तक, 25 अगस्त 2007 तक वो लीड करती रही, लगभग 88 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने 93 की एज में शरीर छोड़ा था। तो उसके बाद दारी जान की जो हमारी विदेश की सेवाएं संभालती थी, 1974 में विदेश की सेवाएं शुरू हुई लगभग, तो वो उनको फिर माउंट आबू बुलाया गया, और उसके बाद से वो आज तक संभाल रही है। तो 1974 से लेकर के अभी विदेश की सेवाओं को भी लगभग 34 वर्ष हो गए हैं, 44 वर्ष रादर। तो विदेश में भी अलग अलग सेंटर खुले, आप देखिए वहाँ पे कल्चर भी अलग है, धर्म, रिलीजन सब कुछ अलग है,
फिर भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर लगभग हर सिटी में मिलेंगे, कंट्री में तो है ही है, लगभग हर सिटी में मिलेंगे। लंदन में भी अकेले शहर में, जो कि काफ़ी बड़ा शहर है, लगभग 40 सेंटर है, 40 ब्रांचेज है। दिल्ली जो एक कैपिटल है इंडिया की अपनी, वहाँ लगभग 200 ब्रांचेज है। चंडीगढ़ जहाँ इस वर्ष हम 50 साल भी सेवाओं के मना रहे हैं, यहाँ लगभग आउटर एरिया को मिला करके 28-30 सेंटर्स हैं। इसके अलावा कुछ घरों में भी छोटे छोटे रूप में, जैसे लोग सत्संग बोल देते हैं, ऐसे एमेरिटेशन क्लासेस चलती हैं, वो अलग हैं। लगभग 25-30 तो यह सेंटर्स चलते हैं आउट एरिया को देखें तो, मोहाली पंचकुला भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग देश विदेश में सेवाएं होती रही और लोग अलग अलग धर्मों से, अभी भी आप यहाँ देखेंगे सिख भी बैठे होंगे, कोई कोई मुस्लिम भी होगा, हिंदू, जो भी धर्म माने जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सिखाया जाता है कि आत्मा का धर्म क्या है, परमात्मा का धर्म क्या है, वो शांति है, प्रेम है, आनंद है, ये संस्कार जागृत कैसे हों, वो यहाँ हमारी दीदियाँ सिखाती हैं। तो वो अलग अलग त्यौहार यहाँ सभी मनाए जाते हैं और जितने भी डेज हैं, जैसे सरकार बहुत कोई योगा डे निकाल देती है, कभी कोई पीस डे है, कभी इन्वायरमेंट डे है, इस तरह बहुत सारी जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के भी सेवाएँ करते हैं। लेकिन विचित्र बात यहाँ ये है, क्यों लोग इतनी जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी यहाँ आकर के अगर 7 डेज का कोर्स कर ले तो उसे फील होता है कि मैं एक अलग परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, या यूँ कहिए अपने परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। अलग इसलिए बोला कि एक परिवार में तो हम रहते ही हैं, तो ये एक सेपरेट परिवार हो गया, ये परिवार है। संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ये शब्द जनरली गवर्नमेंट के आगे रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अदरवाइज ये परिवार है, सभी को भाषना आती है। यहाँ भी हम बैठे हैं तो जैसे भाई बहन बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, इसलिए शब्द भी भाई और बहन शारीरिक नाते से यूज होता है, आत्मिक नाते से तो सभी परमात्मा की संतान है, भाई भाई है, ये भी आगे शिक्षा है। तो इस प्रकार से 2018 तक आज तक ये सेवाएं शुरू होती आई। माउंट आबू हेडक्वार्टर फॉरन में, लंदन हेडक्वार्टर, और यहाँ लोकल में जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में खड़े हैं तो यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 33 अपना नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर है। चंडीगढ़ में देखें तो पिछले 1968 से लगभग यहाँ सेवाएँ शुरू हुई थी, इस साल हम वो भी 50 साल मना रहे हैं, 50 ईयर्स चंडीगढ़ में सेवाओं को हो गई, ये खुशी की बात, आप ताली तो बजाइए। 80-82 वर्ष संस्था को हो गए उधर से कार्य करते हुए पूरे वर्ल्ड में, और 50 वर्ष चंडीगढ़ में हो गए, और जिस सेंटर के अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है सेक्टर 44 से, इसको भी लगभग मैं समझता हूँ 26-27 वर्ष यहाँ भी हो गए हैं, और कविता दीदी 26-27 वर्ष से यहीं है हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। जनरली क्या होता है, बहुत लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन बड़ों का साथ बैठे रहने का बहुत फायदा होता है। हमें भी कहने में गर्व होगा कि मेरे सेंटर जब से शुरू हुआ है ना, हमारी दीदी वो 27 साल पुरानी, वो भी हमारे सामने है, मौजूद है, तो खुशी होती है ना। जैसे हम कई बार माउंट आबू जाते हैं तो हमें बुजुर्ग लोग मिलते हैं पुराने, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठते थे, ऐसे बात करते थे, तो हम भी कई बार सोचते हैं हमने तो बाबा को देखा ही नहीं। तो इस तरह जब बड़े बैठे होते हैं तो बड़ी खुशी होती है देख करके कि भाई हम उनके सामने हैं। दादी जानकी आज के माउंट आबू में रहती हैं, उनको लेडी विद मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहा जाता है, 103 साल एज होने वाली है अभी जनवरी में, फिर भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। इसकी परिभाषा क्या है कि भाई जिसके मन में, जिसके दिमाग में कोई व्यर्थ संकल्प आता ही नहीं है, मतलब सबसे स्टेबल माइंड है। जब भी अभी यहाँ आप देखेंगे रात को जब हम सोते हैं तो भी सपने आते रहते हैं, कोई कोई विचार आते रहते हैं, और जब जागते हैं तब तो बात ना पूछो, तब तो और ही सपने आते रहते हैं। बैठा यहाँ है व्यक्ति और अभी याद आ जाए कुछ और, बाहर गाड़ी ठीक नहीं खड़ी होगी तो यहाँ बैठे याद आ जाएगी। सारी शांति को इस प्रकार के विचार नहीं आते, ये साइंटिस्टों ने चेक किया। तो वो एक दादी जानती हैं, इसके अलावा जितनी भी बहनें यहाँ सेंटर्स दीदियाँ अपनी संभालती हैं, अगर इन लोगों के भी मन चेक किए जाए तो मैं समझता हूँ ये तो इनका बुक रिकॉर्ड फेल हो जाएगी, सारे स्टेबल माइंड की अलग रिकॉर्ड बुक बन जाएगी, क्योंकि वो तो एक चेकिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। वो सिर्फ इसलिए है, काम सभी करते हैं, कार्य सारे चलते हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, यही प्रोग्राम इस तरह के पता नहीं सैकड़ों हज़ारों प्रोग्राम होते रहते हैं साल में, लेकिन फिर भी मन जो है अपनी अवस्था को बनाए रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है, उसके बारे में हम ज्ञान सुनते रहेंगे। तो और भी कोई जानकारी आपको, किसी को कोई नई बात लगी होगी, कुछ पूछने लायक है, तो कल से हमारा एक मेडिटेशन कैंप शुरू होगा ही शाम को 6 बजे, वो दीदी आपको बताएंगे, तो उसकी जानकारी